हेलो गाइस, मैं आशीष, स्वागत है आपका गुड वाली पांडा चैनल में। इससे पहले वाले लेक्चर में हमने हेडर कोर्स स्ट्रेचर कोर्स पढ़ा। आज के लेक्चर में हम पढ़ेंगे इंग्लिश बॉन्ड। इंग्लिश बॉन्ड की जो थिकनेस होती है वो 200 mm थिक में, 300 mm थिक में और 400 mm थिकनेस में होगी, जिसमें हम स्टार्ट करेंगे 200 mm थिकनेस से। तो आज स्टार्ट करेंगे हम इंग्लिश बॉन्ड की ड्राइंग, जो कि होगी 200 mm थिक। यहाँ पर जो स्केल हम यूज़ करेंगे वो यूज़ करेंगे 1:10 की। इसमें जो ब्रिक साइज होगा वो होगा 200 × 100 × 100 × 100 का। इसको जब हम स्केल में रखेंगे तो 200 / 10 जो आएगा 20 mm और बनेगा 2 cm। ऐसी हेडर में 100 / 10 जो बनेगा हमारा 10 mm जो होगा 1 cm। 200 हमें पता है स्ट्रेचर की नाप होती है और 100 इसकी ब्रेथ और हाइट होती है जो कि बनेगा 1 1। केवल और केवल जो इसका स्ट्रेचर फेस है वो बनेगा 2 cm। यानी गाइस, ये आपकी ब्रिक होती है कुछ इस तरीके से। इसमें ये होता है स्ट्रेचर फेस, ये हमेशा बनेगा 2 cm का, और ये जो हेडर फेस है ये बनेगा आपका 1 cm का, और इसकी हाइट भी जाएगी 1 cm, क्योंकि मैंने जो स्केल यूज़ की है वो की है 1:10 की। यानी मैंने 10 यूनिट को 1 यूनिट माना है, और जब भी हम स्केल में रखते हैं तो जो हमारे पास डाटा होता है उसको हम डिवाइड कर देते हैं स्केल से। तो इस तरीके से मैंने 2 और 1 निकाला। अब हम बनाते हैं ड्राइंग शीट में एल जंक्शन। अब गाइस, सबसे पहले बात यह है कि एल जंक्शन होता क्या है। जैसे हमारे पास एक रूम है, इसका नाप है 3/2 की, तो जो इसका कॉर्नर फेस होता है ये होता है हमारा एल जंक्शन। इसको बोलते हैं एल जंक्शन, यानी चार जो हमारे कोने हैं कमरे के वो चारों के चारों होते हैं एल जंक्शन। तो यहाँ पे हमें समझना है कि यहाँ पे ब्रिक रखी किस तरीके से जाती है। और एक आता है हमारे पास टी जंक्शन। जैसे हमारे पास एक कमरा है और इसके बीचों बीच एक दीवार है, तो ये दीवार इस मेन दीवार के साथ टी बना रही है, इस तरीके से यहाँ पर टी बना रही है, तो उसको बोलते हैं हम टी जंक्शन। तो फिलहाल ये हम बाद में पढ़ेंगे टी जंक्शन, आज हम पढ़ रहे हैं एल जंक्शन। उसमें भी इंग्लिश बॉन्ड 200 mm थिक। तो स्टार्ट करते हैं 200 mm थिक इंग्लिश बॉन्ड को। तो गाइस, सबसे पहले हमें यहाँ पे बनाना होगा एल। एल कुछ इस शेप में होता है हमारा। सबसे पहले हम बनाएंगे एल, फ्री हैंड बनाएंगे, कितनी भी नाप ले सकते हैं हम यहाँ पे। देन हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे कॉर्नर से। यहाँ पे सबसे पहले गाइस लगता है हेडर फेस जो होगा 1 cm का। देन क्वीन क्लोजर, क्वीन क्लोजर हेडर का आधा होती है, यानी 50 mm बनेगा यहाँ पे 0.5, क्योंकि 110 की स्केल है। मैं आपको बता देता हूँ, क्योंकि जो हेडर फेस होता है क्वीन क्लोजर का, क्वीन क्लोजर आपको पता है 50 mm होता है। 50 mm को जब हम 10 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आएगा 5 mm, जो कि सेंटीमीटर बनेगा 0.5 cm। तो क्वीन क्लोजर जो आपकी बनेगी 0.5 की बनेगी। देन यहाँ पे हम लेंगे 1 cm, 1 cm, 1 cm, 1 cm, 1 1 1 1 1 1 cm, 1 1 1। स्ट्रेचर फेस आएगा यहाँ पे, जैसे मैंने हेडर ही दिखाया है, तो स्ट्रेचर आएगा हमारा 2 cm का। इसके पहले ही लाइन ले जाएंगे ऐसे, और यहाँ पे अपने बॉन्ड को मिलाते हुए जाएंगे ऊपर की तरफ। यहाँ पे आ जाएगा हमारा कंटिन्यू का साइन। अब ऐसी ब्रिक जाएगी बैक साइड इस तरीके से, और यहाँ पे भी हेडर फेस जाएगा 1 cm का। और यहाँ पे हम कंटिन्यू का सिंबल लगा देंगे। इसके बाद गाइस, हम यहाँ पे 2 2 cm पे डॉट लेते चलेंगे, क्योंकि स्ट्रेचर फेस यहाँ पे आएगा। ये इस तरीके से आएगा ऐसे 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 ऐसे, यहाँ पे आएगा हमारा क्वीन क्लोजर। यहाँ पे हमारा क्वीन क्लोजर, और ये हमारा है हेडर फेस यहाँ से, जो कि है आपका 100 mm का यहाँ पे। और जो मैंने आपको कहा था कि बॉन्ड की जो थिकनेस है वो है आपकी 200 mm, तो आपको पता है ये पूरा स्ट्रेचर फेस है। स्ट्रेचर फेस आपका जो होता है वो होता है 200 mm का।
गाइस ये जो कोर्स हैं इसमें हम लिख देते हैं, ये जो कोर्स हैं लाइन ये है पहली तीसरी पांचवी सातवीं, यानी ये सेम होगा, और दूसरा चौथा छठवां सेम होगा। अब मैं आपको इसको फील्ड में दिखाता हूँ, आप वीडियो को पूरा देखें, इसमें मैंने पूरा डिटेल में बता रखा है कि हेडर फेस का 1 3 5 7 कैसे दिखेगा और 2 4 6 कैसे दिखेगा, और जब ये दोनों एक दूसरे के ऊपर लग जाएंगे तो ये कैसे दिखेंगे। तो हम चलते हैं फील्ड की तरफ। इस तरीके से गाइस ये हमारा 200 mm थिक इंग्लिश बॉन्ड का प्लान है, जिसमें आपको यहाँ पे दिख रहा है कि एल शेप में है, यानी कि एल जंक्शन है, इसलिए इसको एल जंक्शन बोलते हैं। ये बिल्डिंग के कॉर्नर में बनता है, इसलिए इसको एल जंक्शन बोलते हैं हम। अगर हम इसको फ्रंट से देखें तो फ्रंट में आपको दिखेगा हेडर फेस, देन क्यू इनक्लोजर, देन हेडर फेस, हेडर फेस, हेडर फेस। और अगर आप इस साइड से देखना शुरू करेंगे तो इस साइड से आपको सारे के सारे दिखेंगे स्ट्रेचर फेस। ठीक है गाइस, अब होता यह है कि यहाँ पे क्यू इनक्लोजर इसलिए दी गई है, अगर इसके ऊपर हम दूसरा रद्दा रखते हैं तो वो आता है स्ट्रेचर फेस का, कुछ इस तरीके से, इस तरीके से। ठीक है गाइस, तो इस केस में क्या होता है कि अगर हम क्यू इनक्लोजर नहीं देंगे तो ऐसा पैटर्न मिलेगा कुछ इस तरीके का, ऐसा। एक्चुअल में क्या होता है कि जो हमारे पास हेडर होता है वो होता है 100 mm का, हेडर होता है 100 mm का, स्ट्रेचर होता है 200 mm का, तो ये जॉइंट आ जाएंगे एक सीध में। बट यहाँ पे क्या होता है, ये जो क्यू इनक्लोजर है होता है 50 mm का, जिसके वजह से जॉइंट आगे खिसक जाता है कुछ इस तरीके से। अगर हम इसको यहाँ पे रखते हैं और दूसरी ब्रिक आप यहाँ पे रखोगे तो आप यहाँ पे देख पाओगे कि पहले कोर्स का जो जॉइंट है वो दूसरे कोर्स में रिपीट नहीं हो रहा, यानी ये प्रपेंड्स एक सीध में ना आके यहाँ पे आ रहा है। ये सब हो रहा है क्यू इनक्लोजर की वजह से, क्योंकि आपका हेडर होता है 10 mm, क्यू इनक्लोजर होता है 50 mm, जिसकी वजह से ये 50 mm स्ट्रेचर के फेस को आगे खिसका देता है और जॉइंट एक सीध में नहीं आते। गाइस जो इंग्लिश बॉन्ड होता है, इंग्लिश बॉन्ड में पहला जो कोर्स चलता है वो चलता है हेडर, दूसरा चलता है स्ट्रेचर, देन हेडर, फिर स्ट्रेचर। ये स्ट्रेचर कोर्स की तरह नहीं होता है कि इसमें सारे के सारे आपको स्ट्रेचर दिख रहे हैं या सारे के सारे हेडर दिखते हैं, इसमें कॉम्बिनेशन चलता है, पहले हेडर का, देन स्ट्रेचर का, देन हेडर का, देन स्ट्रेचर का। अब गाइस इसका नाम 200 mm थिक इंग्लिश बॉन्ड क्यों है, क्योंकि आप यहाँ पे देखेंगे ये जो स्ट्रेचर है ये थिकनेस बना रही है इसके 200 mm की, यानी ये दीवार होगी ये होगी 200 mm थिक। और अगर आप यहाँ देखेंगे तो ये हेडर फेस 100 mm और 100 mm मिलके बना रहे हैं 200 mm थिक इंग्लिश बॉन्ड की वॉल। तो गाइस ये वाला जो रद्दा है रिपीट होगा पहले, तीसरे और पाँचवें में, देन इसके बाद जो रद्दा लगता है वो कुछ इस तरीके से होता है। इसके बाद जो रद्दा दिखेगा वो कुछ इस तरीके से दिखेगा, जो दूसरे चौथे और छठवें में रिपीट होगा वो इस तरीके से रिपीट होगा। इसमें इस साइड आपको दिखेगा कि यहाँ पे अगर आप देखोगे सामने से ये स्ट्रेचर फेस दिखेगा, देन ये भी स्ट्रेचर और ये भी स्ट्रेचर, देन इसमें क्यू इनक्लोजर चल जाता है यहाँ पीछे, देन फिर ये पूरा स्ट्रेचर पैटर्न चलता है ऐसे में, और इस तरीके से स्ट्रेचर पैटर्न चलेगा इस तरीके से। तो वह जो इंग्लिश बॉन्ड होता है उसमें रिपीटेशन होता है हेडर स्ट्रेचर, हेडर स्ट्रेचर का। अब गाइस आप समझ गए होंगे, इसी के हम यहाँ पे ड्राइंग बनाएंगे आगे चल के। अब गाइस मैं आपको बता दूँ कि सारा का सारा काम होता कैसे है, यानी चिनाई होती कैसे है। तो सबसे पहले इसमें जाता है हेडर फेस, देन क्यू इनक्लोजर, देन हेडर फेस, देन हेडर फेस, देन यहाँ पे जाएगा आपका स्ट्रेचर फेस इस तरीके से, देन यहाँ पे भी आपका जाएगा स्ट्रेचर फेस इस तरीके से, देन आपका क्यू इनक्लोजर जस्ट इसके यहाँ पे जाएगा, यानी जो क्यू इनक्लोजर पहले यहाँ पे था वो जाएगा अब जस्ट यहाँ पे, और फिर ये इस तरीके से ऐसे, और फिर ये जाएगा इस तरीके से ऐसे, और ये जाएगा ऐसे। तो गाइस एक तरीके से देखा जाए अपोजिट होता है, पहले जो चीज़ इस तरफ से बिछी थी अब वो इस तरफ से बिछती है। तो इस तरीके से आपका इंग्लिश बॉन्ड होता है 200 mm थिक का। अगर हम इसको फ्रंट से देखेंगे तो ये आपको इस तरीके से दिखेगा, हेडर स्ट्रेचर, देन फिर हेडर, फिर स्ट्रेचर, यानी 1 3 5 में सेम पैटर्न और 2 4 6 में सेम पैटर्न। अब गाइस मैंने आपको ग्राउंड में बता दिया है कि हमारा 1 3 5 का रद्दा कैसा आपको दिखेगा। अब हम बनाते हैं 2 4 6 का रद्दा। इसमें भी गाइस सबसे पहले हम एल बनाएंगे, इसके बाद गाइस यहाँ पे आएगा पूरा स्ट्रेचर फेस, क्योंकि हेडर के ऊपर इस वाले बॉन्ड में हेडर स्ट्रेचर चलता है। फिर यहाँ पे 2 cm, 2 2 2 2 और 2, देन ये हमें चाहिए 200 mm थिक, तो हम यहाँ पे लेंगे 1 और 2, वही आपकी 1 cm। ठीक है गाइस, पहले हम यहाँ पे रखेंगे ये, क्यों ये आपका स्ट्रेचर फेस चल रहा है यहाँ पे से। अभी ये 100 mm है, इसमें हमें 100 mm और जोड़नी है, बट पहले हम ऊपर वाला पोर्शन बना लेते हैं। ऊपर वाला पोर्शन आता है इसके ठीक सीध में ऐसे, देन ये आपको पूरा दिख रहा है, ये पूरा 200 है, तो हमें यहाँ पे लेना है हेडर वाला फेस। यहाँ पे आएगा 0.5,
यहाँ पे आएगा 0.5 क्यू इनक्लोजर, देन 1 वन 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 देन वन वन वन। देन यहाँ पे आएगा क्यू इनक्लोजर आपका, फिर यहाँ पे आएगा वन, यहाँ पे आएगा कंटिन्यू का सिंबल। तो गाइस ये हमारा है 200 ए बी और ये भी हमारा 200 mm। और गाइस यहाँ पे मैंने लिख दिया है क्यू इनक्लोजर। तो इस तरीके से हमारा कोर्स है, ये कोर्स हमारा 2, 4, 6, 8 का, यानी इवन नंबर इसमें ऑड नंबर बगल वाले में। अब गाइस जैसे आप समझ चुके होंगे दोनों की ड्राइंग बनेगी कैसे, दोनों आपको इस तरीके से दिखेंगे, 1, 3, 5, 6 वाला रद्दा ऐसे और 2, 4, 6, 8 वाला रद्दा ऐसे, यानी पहला रद्दा इसका लगेगा, दूसरा रद्दा ये इसके ऊपर लगेगा, देन तीसरा ये लगेगा, चौथा रद्दा ये इसके ऊपर लगेगा। अब गाइस मैं इसका बनाता हूँ फ्रंट एलिवेशन, यानी इसका फ्रंट एलिवेशन जब बनेगा तो आपको दिखेगा कैसे, यानी एक रद्दे के बाद जब दूसरा रद्दा इस पर लगेगा और इसके तीसरे रद्दे के बाद जब चौथा रद्दा इस पर लगेगा और इसके पांचवें रद्दे के बाद जब छठवां रद्दा इस पर लगेगा, तो आपको ये दिखेगा कैसे मैं आपको फ्रंट एलिवेशन दिखाता हूँ आपको ड्राइंग में, फिर मैं आपको दिखाऊंगा इसको फील्ड में। तो गाइस इसका फ्रंट एलिवेशन कैसे बनाएंगे, सबसे पहले हम लगाएंगे एक स्ट्रेट लाइन यहाँ पे और यहाँ पे लगाएंगे एल शेप। अब गाइस मैंने अलग पेज इसलिए लिया है ताकि मैं आपको दिखा सकूँ, सबसे पहले वाले कोर्स में आपको दिख रहा हैडर क्यू इनक्लोजर, फिर हेडर 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 स्टार्ट चल रहा है। तो यहाँ पे मैं बनाऊँगा सबसे पहले हेडर को जो कि आपका 1, फिर 0.5 पे आपका क्यू इनक्लोजर, देन 1 1 1 1 1 1 ठीक है गाइस। ये मैं एक बॉक्स बना देता हूँ दीवार एलिवेशन के लिए, यहाँ पे दिखा देंगे हम कंटिन्यू का सिंबल किस तरीके से आगे भी है। इसके बाद गाइस सबसे पहले आपको पता है यहाँ पे हेडर फेस हमें दिखेगा और हेडर की हाइट भी आपकी होगी 1, क्योंकि आप फ्रंट एलिवेशन में पहले 1, फिर आपका आएगा क्यू इनक्लोजर, देन आपके आएगा हेडर 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 और आखिरी में भी आपके पास आ गया हेडर। यहाँ पे मैं कंटिन्यू का साइन बना दूंगा कि यहाँ पे हमारी वॉल क्या है कि दीवार के थोड़ा आगे भी है, क्योंकि वॉल तो हमारी लंबी हो सकती है। इसके बाद मैं यहाँ पे दिखा दूंगा ये हमारा है क्यू इनक्लोजर। अब आएगी हमारी स्ट्रक्चर की बारी, पहले जो हमने ड्राइंग बनाई थी यहाँ पे हमने फ्रंट मानते हुए देखा था, तभी हमें यहाँ पे हेडर क्यू इनक्लोजर हेडर हेडर दिखे, अब फ्रंट हमारे लिए यही रहेगा। और यहाँ से अगर हम ऊपर की तरफ देखें वॉल की तरफ तो हमें यहाँ पे दिखेगा स्ट्रक्चर स्ट्रक्चर स्ट्रक्चर, तो दूसरा जो हमारा आएगा कोर्स वो आएगी हमारी स्ट्रक्चर 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 की। ऐसे 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 ऐसे, यानी जो पहला कोर्स हमारा हेडर का था सारा, और जो दूसरा कोर्स आया हमारा वो आया स्ट्रेचर का, ये इंग्लिश बॉन्ड है 200 mm थिक का, ये हमारा आया स्ट्रेचर फेस। देन गाइस पहले नंबर पे हमने ये देखा, दूसरे पे ये, अब फिर से तीसरे पे, मतलब ये है कि तीसरे पे फिर से यही पैटर्न आएगा, तो यानी ये वाली रो फिर से रिपीट होगी तीसरे में। अब हमारे पास एक एक सेंटीमीटर इसकी हाइट है, आपको पता है ब्रिक की हाइट एक एक सेंटीमीटर हम लेंगे क्योंकि 10 के हमने स्केल लिए। तो इस तरीके से गाइस हेडर फेस हमारा फिर यहाँ रिपीट होगा, इसके पहले हम देखें हेडर 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 हमारा यहाँ रिपीट होगा, फिर हमारा क्यू इनक्लोजर भी यहाँ पे रिपीट होगा, फिर हमारा हेडर यहाँ रिपीट होगा,
तो इस तरीके से गाइस हमारा क्यू इनक्लोजर आ जाएंगे केवल हेडर फेस में। ठीक है गाइस, यहाँ आ जाएगा हमारा क्यू इनक्लोजर। ठीक है, तो हमारे हेडर पैटर्न फिर से रिपीट हो गए। मैंने आपको बताया था पहले, तीसरे, पांचवे, सातवें, नौवे में, क्योंकि ऑड नंबर है आपको दिख रहा होगा, पहले फिर तीसरे में यही आएगा, फिर पांचवे, सातवे और नौवे में यही आएगा। फिर गाइस दूसरे, चौथे, यानी कि दूसरे में, चौथे में, छठवें में, आठवें में और दसवें में यही स्ट्रेचर वाले पैटर्न आएंगे हमारे सारे। तो इस तरीके से हमारे स्ट्रेचर वाले पैटर्न यहाँ पे आएंगे, मैं आपको यहाँ पर दिखा रहा हूँ। और ये वाला हमारा कॉन्टिन्यू का साइन है इस तरफ भी और इस तरफ भी, तो ये हमारा है एलिवेशन। और ये बाकी हमारे थे दोनों के दोनों प्लान, यानी इसको हम ऊपर से देख रहे हैं प्लान को, और एलिवेशन ये इसका आएगा निकल के ये वाला। गाइज इस तरीके से हमारा ये 200 mm ठीक इंग्लिश बॉन्ड कंप्लीट हुआ। इससे रिलेटेड गाइज आपको कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में मेरे से पूछ सकते हैं। अब गाइज जैसे मैं बताया ये स्ट्रेचर बॉन्ड है, क्योंकि इसमें सारे के सारे फेस हमें स्ट्रेचर 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 दिख रहे हैं। ऐसी हेडर में हमें पता चलता कैसे कि हेडर के सारे फेस हेडर हेडर होंगे, बट इंग्लिश बॉन्ड में क्या होगा, इंग्लिश बॉन्ड में पहला फेस आएगा स्ट्रेचर, देन हेडर, देन स्ट्रेचर, देन हेडर। पूरा का पूरा जो पैटर्न मिलेगा कॉम्बिनेशन, वो स्ट्रेचर हेडर के साथ मिलेगा। तो इस तरीके से हम फ्रंट एलिवेशन से समझ सकते हैं कि हमारा इंग्लिश बॉन्ड है। बाकी मैंने इसका फ्रंट एलिवेशन भी आपको ग्राउंड पे दिखा दिया, यानी कि ये भी मैंने आपको ग्राउंड पे दिखा दिया, और ये भी मैंने आपको ग्राउंड में दिखा दिया। तो गाइस आज के लिए इतना ही, थैंक यू।